मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.3 के अगले प्रश्नादेश वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं, 5 तक प्रश्न हमारे हो चुके हैं। साइमा, आप गणित में से अपनी स्टेटमेंट पढ़िए कि साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारे लगाना चाहती है। आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारे लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान इसमें 3.14 लेना है। अब हमें क्या दे रखा है? वृत्ताकार टेबल का व्यास दे रखा है। प्रश्न नंबर 6 में वृत्ताकार टेबल का व्यास क्या दे रखा है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ही हमें दे रखा है। अब वो कह रही है कि उसको टेबल की किनारी लगानी है। अब किनारी में तो हमें उसका एक पूरा चक्कर ऊपर को मिल गया, और पूरा चक्कर किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर होता है। बिल्कुल सही कहा। तो हम यहां से इसकी पहले परिधि ज्ञात करेंगे। परिधि ज्ञात करने का सूत्र पाई गुणा व्यास। व्यास गुणा पाई होता है ना। तो पाई का मान 3.14 लेना है और व्यास आ गया 1.5। गुणा कर दे 15 × 60 6 × 15 = 21 2 × 15 = 43 और 2 = 47 और 0.123 छोड़ के यहां लग जाएगा इतने मीटर, 4.71 मीटर। शून्य वेदि हम छोड़ देते हैं, बाद में है वो। उसके बाद कह रहा हूं 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब किनारी लगाने का व्यय सीधा हम ले लेंगे। 1 वर्ग मीटर पर कितने खर्च हो रहे हैं? रुपए 15 है। और कितने पर? 4.71 पर कितने होंगे? वो अभी हम निकाल लेते हैं 15 से गुणा करके। 15 × 15 = 7 15 × 15 = 5 1 15 = 105 105 + 1 = 106 10 15 × 60 = 70 तो हमारे पास कितना आ गया? ये ₹70 और 65 पैसे इसका हमारे पास क्या आ गया? खर्च आ गया किनारी लगाने का। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए। दी गई आकृति व्यास के साथ एक वृत्त देता है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर जो 7 है उसके अंदर एक अर्धवृत्त दे रखा है, ये ऐसे करके दे रखा है। अब और इसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमें क्या क्या इसने दे दिया? व्यास दे दिया। व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब यहां से इसका पूरा परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप किस प्रकार से ज्ञात होता है? कि यदि मैं यहां से चलूंगा तो ये पूरा का पूरा यहां आधा चक्कर इस वृत्त का देखो, क्योंकि आधा वृत्त है तो आधा चक्कर ये लग गया और उसके बाद फिर यहां आके दोबारा रुकूंगा, अर्थात 10 सेंटीमीटर भी आ गया। अब इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए वृत्त का जो हमारे पास क्या आता है, परिधि आती है, उसका आधा लेना पड़ेगा क्योंकि आधी है ये। तो हमारे पास पाई गुणा डी बटे 2 व्यासी देर का था ना, और उसके बाद फिर क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? ये जो व्यास डी देर है, क्योंकि ये भी तो यहां भी तो चले हैं, ये जोड़ना पड़ेगा, निकाल लेंगे। अब इसमें भी देख ले, 7वें प्रश्न में पाई का मान हम 3.14 ही ले लेते हैं। 3.14 गुणा डी का मान 10 बटे 2 और जमा का डी 10, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा ये सारा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं 2 से 2 × 2 यहां पे 2 × 2 2 × 5 = 10 2 × 7 = 14 1.57 को 10 से गुणा करेंगे 15.7 हो गया, और 15.7 में 10 जोड़ेंगे 25.7 सेंटीमीटर। इस अर्धवृत्त का हमारे पास क्या आ गया? परिमाप आ गया। अब इसमें दो चीज समझने वाली थी, पहली तो ये कि पूरा वृत्त नहीं है, आधा वृत्त है, तो इसकी आधी परिधि आएगी, आधी परिधि ये होगी, और ये व्यास है, यहां भी हमें चलना पड़ेगा, तो ये व्यास इसके अंदर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब ऊपरी सतह पर पॉलिश करवानी है तो वो क्षेत्रफल हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है? किसी भी वृत्ताकार शीट का व्यास दे रखा है। जी कितना दे रखा है? 1.6 मीटर। सबसे पहले तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या 2 से भाग देने पर 0.8 मीटर रह जाएगी। 1.6 को 2 से भाग देंगे 0.8 मीटर। उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश करनी है तो क्षेत्रफल, हमें वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या होता है? पाई आर की शक्ति 2। पाई का मान 3.14 गुणा 0.8 गुणा 0.8, इसको गुणा कर ले 8 × 8 = 64। 314 को 64 से गुणा करें
चार चौके 16, एक चार एक पांच, चार दिए 12, छह चौके 24, दो छह छह और दो आठ, छह दिए 18, ये हमारे पास 6 9 0 0 2, ये आ गया, इतना हमारे पास आएगा। और दशमलव के बाद 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे वर्ग मीटर, 2.0096 वर्ग मीटर उसका क्या आ गया, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल आ गया। और उसके बाद वो कह रहे हैं पॉलिश कराने का व्यय, हम लिखेंगे पॉलिश कराने का व्यय। अब रुपए 15 एक वर्ग मीटर पर वो कर रहे हैं, देखो वर्ग मीटर ही देखा ना, प्रति वर्ग मीटर पर 15 रुपए व्यय आ रहा है, तो हमारे पास कितना आया है, ये 2.0096 वर्ग मीटर यदि इसका आया है, तो इससे हम गुणा कर देंगे, 15 6 90 9 15 135 144 144 ही आ गया पूरा, 10 15 30, तो कितना हो गया रुपए 30.14। इसको थोड़ा सा रुपए पैसों में और बदल लेते हैं, हम रुपए पैसों बदलेंगे तो 30.14, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इतना का इतना रह जाएगा, 30 रुपए 14 पैसे लगभग इसका जो हमारे पास पॉलिश कराने का लिया है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 11.3 के 3 प्रश्न नंबर 6 7 और 8 है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए बाय बाय।